हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये लव राशिफल है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए स्पेशली मैं इसे करने जा रही हूँ, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शन आपके लिए मई के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। और ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए सिर्फ एनर्जी पे फोकस करें, थी और था पे नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ इस रीडिंग को आप गाइडेंस पर्पज के लिए देख सकते हैं। और यस, राशि आप कैसे चुने, राशि आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार, राइजिंग साइन, स्टार साइन, जैसे आपको सही लगे, लग्न राशि के अनुसार जैसे आप चाहें वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। इस रीडिंग में मैं स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। देखेंगे आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी, जिनको एजुकेशन, करियर और फाइनेंस और हेल्थ के रिलेटेड और बाकी सब रिलेटेड रीडिंग देखनी है वो लोग मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उस रिलेटेड भी ओवरऑल डिटेल रीडिंग कर रखी है, ऑलरेडी पोस्ट भी की हुई है, आप उसे चेक करें, आपको मिल जाएगी। अपने राशि अनुसार आप लिख सकते हैं द डिवाइन टैरो और अपनी राशि लिख सकते हैं, आपके सामने वो स्क्रीन पर आ जाएगी। जो भी लेटेस्ट मैंने आपके लिए राशिफल किया होगा वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग जो है अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और मई के महीने में देखते हैं आपकी लव लाइफ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ठीक है। तो देखेंगे मेष राशि वालों की लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले हैं उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है मई के महीने में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो मेष राशि वाले हैं मुझे बताएं उनके लिए मई मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है यूनिवर्स। नाइन ऑफ वॉन्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्स, सिक्स ऑफ कप्स, टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हाट अबाउट द डेक, डेविल। ओके, सो जो मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ, आप काफी ज्यादा फ्रेंडली जोन में रहेंगे, आपकी एनर्जी में काफी ज्यादा फ्रेंडलीनेस है, बिहेवियर में ऐसा दिख रहा है कि आप काफी लोगों से बातचीत करेंगे, काफी लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, एक वो एनर्जी है जहां पे आप काफी ज्यादा सोशलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मेष राशि वाले काफी सोशलाइज करेंगे इस टाइम फ्रेम में और क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, नो कॉन्टैक्ट वालों की मैं बात कर रही हूँ, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है आप नए नए दोस्त बनाएंगे या नए लोगों से मिलजुल बढ़ाएंगे, नए लोगों के कनेक्शन में आते हुए नजर आ रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। कुछ सेलिब्रेशंस, कुछ गेट टुगेदर, यस, आप अपनी लाइफ को दोबारा से जी रहे हैं, आप खुद को काफी ज्यादा चेंज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके अवतार में आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे लेसन लर्न कर लिए। क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी जिंदगी में ना बहुत संघर्ष किए, बहुत प्रॉब्लम्स देखे और फाइनली ना अब आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हो गए हैं। आपको लग रहा है कि यार मैंने अपनी जिंदगी में ना बड़ा स्ट्रेस ले लिया, अब मुझे अपनी जिंदगी को खुलकर जीना है, अब मुझे हैप्पी रहना है। तो आप ना एकदम फ्रीडम वाली एनर्जी में है, एक हैप्पी सोल बनकर आप एक नए अवतार में, एक नया जन्म कह सकते हैं आपके लिए, मैं कह सकती हूँ आप एक नया जन्म ले रहे हैं इस महीने। और काफी हद तक आपके अंदर ना कुछ चीजों को लेकर देखने का नजरिया बहुत पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो जो व्यक्ति आपके अंदर था, जो पहले था, वो इंसान जैसे कहीं डेड हो गया और आपने एक नया जन्म ले लिया, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरा है आपका, आप सेलिब्रेटिव मूड में हो। वहीं आपके पार्टनर आपको लेकर काफी ज्यादा रोमांस और पैशन फील करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कनेक्शन फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है वो आपको लेकर अब इंटरेस्टेड है। किंग ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई करें, वो आपसे बात करना चाहते हैं, यस, वो डेफिनेटली आपको लेकर लव की एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, उनकी एनर्जी में काफी ज्यादा वो एनर्जी बन चुकी है जहां पर वो आपसे एक होता ना कि एक लगाव, आपका स्नेह, आपकी केयर, आपका अटेंशन चाहते हैं, वो वाली एनर्जी है। पर करंट एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में ऐसा है कि काफी ज्यादा एक डाउट्स आ गए, दोनों को यही लगता है कि इस रिलेशनशिप में अब इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आपकी तरफ से तो आप आगे बढ़ रहे हो, क्लियरली मुझे मई के मंथ में आप अपनी लाइफ को भी काफी ज्यादा एक नए नजरिए से देखते हुए नजर आ रहे हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, आप काफी ज्यादा वो एनर्जी में है जहां पर आप बहुत ज्यादा ऐसे की क्लैरिटी है, आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी है आपको अपनी लाइफ को लेकर कि आपको क्या चाहिए अपनी लव लाइफ से, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफी आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर से एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको उनकी तरफ से एक होता ना कि कोई स्टेबिलिटी चाहिए या कोई एक्शन चाहिए, अगर वो आपको वो नहीं दे सकते तो आप उनकी तरफ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आपके अंदर माइंड बिल्कुल क्लियर है, आप किसी कंफ्यूजन में नहीं है, या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी बात समझे, आपकी बात को माने, आपको रिस्पेक्ट करे, बेसिकली रिस्पेक्ट चाहते हैं आप चाहते हैं आपको अटेंशन मिले, आपको जो एक मन की इच्छाएं हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो आपको आपके पार्टनर से नहीं मिल रही है, आप उस चीज को लेकर काफी हद तक क्लियर है कि भाई मुझे ये चीजें उनसे अब चाहिए। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि वो आपको लेकर बहुत इंटरेस्टेड है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और वो कंफ्यूज्ड है कि यार अप्रोच करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, ये बंदा या बंदी मुझसे बात करेगी कि नहीं करेगी,
और जो भी हम दोनों के बीच में हुआ उसके बाद चीजें ठीक करना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि वो एकदम गोल के नजदीक है, वो आपको बहुत नजदीक से देख रहे हैं कहीं से, वो बहुत नजदीक से आपको यहाँ वहां महसूस कर रहे हैं, कहीं स्टॉकिंग एनर्जी है, कहीं से ऐसा लग रहा है जैसे आकर वापस चले जाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते या फोन उठाते हैं और फोन वापस रख देते हैं कि नहीं यार कौन फोन करे, हिम्मत बोलते हैं ना एक जुटाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आपके पार्टनर। ऑब्स्टेकल ये है कि उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगी, अगर वो आ गए तो उन्हें लग रहा है इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगी, या कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप का ऑब्स्टेकल इक्वल गिव एंड टेक या वो चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये रिलेशनशिप की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि कोई एक तरफा ज्यादा कर रहा है और एक तरफा कम कर रहा है। ठीक है, दोनों एक जितना नहीं कर रहे, लाइक प्यार एक दे रहा है तो दूसरा डिसरिस्पेक्ट करता है, जब दूसरा वाला प्यार दे रहा है तो पहला वाला डिसरिस्पेक्ट करता है, तो कहीं ना यहाँ पर जो केयर होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, वो मिसिंग है। ठीक है, ये ऑब्स्टेकल में क्लियरली मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है। बट आपके पार्टनर इस वक्त आपसे केयर चाहते हैं, आपका लव चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको देखें, उनकी तरफ आपका ध्यान जाए, अटेंशन जाए, आप उनकी केयर करें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपने इनकी बहुत केयर की, बहुत सेवा की, आपने इनको लेकर बहुत कंसर्न दिखाया, लव दिखाया, गिफ्ट्स दिए, कहीं ना कहीं आप इनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल एक्टिविटीज कर रहे थे। आपकी एनर्जी में पास्ट में बहुत मदरली एनर्जी दिख रही है। अपकमिंग इवेंट में ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा मान रहे हैं कि नहीं, अब आप और इस रिश्ते को घसीट नहीं सकते और इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, बहुत सारे परिवर्तन है, दोनों में परिवर्तन है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बदल गया, लग रहा है दोनों बदल गए। यूनिवर्स मुझे बताएं, टावर को क्लारिफाई करें। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, दोनों के दोनों चेंज हो गए हैं। दोनों देखो, झगड़ा तो दोनों सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एक जना है जो इस रिश्ते में रहना चाहता है, रिश्ता दोनों ही ठीक करना चाहते हैं। बट आपकी तरफ से आपका माइंडसेट क्लियर है कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आप कोई कंफ्यूजन में नहीं है, आपको पता है आपको आपके पार्टनर से क्या चाहिए और वो शायद आप उनको बोल चुके हैं या वो शायद आप माइंड में प्रिपेयर करके बैठे कि आपको क्या चाहिए, आप मांगेंगे। आपका माइंडसेट काफी हद तक क्लियर है। वहीं आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा रोमांटिक, लवेबल, एकदम से आपको लेकर इमोशनल, बोलते ना एक कनेक्शन वाली फीलिंग उनको आने लगी है, तो चेंजेस दोनों में गए हैं। दोनों ही झगड़ा सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन दोनों को ना एक तरीके की ऐसा लग रहा है कि जिद है दोनों के अंदर कि यार मैं कैसे जाऊं, और वो सोच रहे हैं मैं कैसे जाऊं। बट आपके पार्टनर काफी हद तक आपके नजदीक तक आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है काफी हद तक वो आपके क्लोज आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत जो होती है ना, वो हिम्मत नहीं बढ़ पा रही। वो उनको डर लग रहा है कि आप पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे, क्योंकि क्लियरली वो अपनी बिगनिंग को लेकर कंफ्यूज है। वो काफी हद तक कंफ्यूज है कि आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप इस आइडिया को कैसे देखेंगे, अगर वो आपको प्यार देंगे तो आप उनको किस तरह से, किस नजर से देखेंगे, या कैसे अप्रिशिएट करेंगे, या कितना बुरा मान जाएंगे, इस तरीके की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेकर एडिक्टेड बहुत फील कर रहे हैं। ठीक है, मैं के महीने की ही ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ कि एडिक्टेड फील कर रहे हैं। आपको जैसे दिमाग से निकाल पाना ना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, जैसे वो दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे। वो कोशिश कर रहे हैं जैसे कि वो आपको अपने दिमाग से निकाल के अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से शुरू करें, हैप्पी रहें, पर बार बार जैसे ना उनका ध्यान आपकी तरफ खींच जाता है, कोई सपना आता है, कोई तरीके का, बार बार एक होता ना कि सीधे सीधे चल रहे हो, अचानक से फिर से पीछे देख रहे हो और सोच रहे हैं यार मुझे इस इंसान की बहुत याद आ रही, तो वो वाली एक फीलिंग है। आपके पार्टनर बहुत बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्टेड है इस फ्रेश स्टार्ट को लेकर, बट कहीं ना कहीं उन्हें आपसे बहुत डर लग रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस महीने इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं आने वाला है। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि मुझे इस महीने इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। रीजन है कि वो आपका बर्ताव से काफी ज्यादा डाउट, मतलब बोलते ना डर सा बिठा गया है उनके मन में कि नहीं यार ये बंदी या बंदा जो है ओवर रिएक्ट कर सकता है, और आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वो आपसे चाहते हैं कनेक्शन, लव, रोमांस, वो आपके साथ कनेक्ट में आना चाहते हैं। और डेविल की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका रिलेशनशिप एक प्रकार से है ना जैसे कि एक टॉक्सिक या एक नेगेटिव रिलेशनशिप बन चुका है। यानी कि अब देखो, मुझे पता है क्या दिख रहा है, मुझे इससे प्रॉब्लम दिख रही है कि ये रिलेशनशिप ना काफी आपके नजरिए से ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ऐसा मानते हैं कि वो आपको समझते नहीं, और आपके पार्टनर को लगता है आप उनको समझते नहीं। दोनों एक दूसरे के लिए अडिक्टेड हो, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर दोनों ही जब साथ रहते हो ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रेस आती हैं, इश्यूज कहीं ना कहीं खड़े होते हैं, जबकि पास्ट में इतना नहीं था प्रॉब्लम, अभी बहुत इश्यूज है। और आप लोग दोनों के बीच में ना मुझे नेगेटिव ऊर्जाएं काफी दिख रही है, तो ऐसा समझ लो या तो नजर लग गई, या तो आप लोग दोनों के बीच में
कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस काम, मतलब बोलते ना प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, कुछ बहुत मेजर आप लोगों के रिलेशनशिप में कार्मिक डेप्थ दिख रहे हैं। कार्मिक डेप्थ का मतलब कुछ ऐसा है जो आपके कर्मा अनुसार है, जिसे सॉल्व करना जरूरी है, जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि मैंने ऑब्स्टेकल में देखा था इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मिसिंग है इस रिलेशनशिप में। तो अगर इस रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हैं तो इक्वल गिव एंड टेक जरूरी है। मतलब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सामने वाले के सामने आप बॉसी हो जाएंगे या आप जो है उनके सामने अग्रेसिव हो जाएंगे तो वो ये रिलेशनशिप में रहेंगे, नहीं रहेंगे वो, कहीं ना कहीं वो आपसे फिर और डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपके साथ सेक्सुअली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, फिजिकल भी होना चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ उठना बैठना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कमिटमेंट की अगर बात आ रही है या कुछ बहुत बेटर कुछ चीजों की बात आ रही है तो वो आपके पार्टनर आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक कुछ हद तक मिसिंग है इस रिलेशनशिप में, कार्मिक डेप्थ है। और इस महीने मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग कोई एक्शन दिख नहीं रहा है, बट हाँ आपके पार्टनर जो है बहुत स्ट्रांगली आप में इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं यार ये मेरे से बात करेगी या ये मेरे से बात करेगा, मुझे इसे अप्रोच करना चाहिए, क्या ये मुझे समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। तो वो वाली एनर्जी ना बहुत ज्यादा इनको रोक रही है आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल क्लियरली मुझे दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम है। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। देखो डिसाइड आप करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अरे आप इनके साथ फिजिकल रहो, रोमांटिक रिलेशनशिप में रहो, मैं कुछ भी नहीं कह रही, मेरा कोई जज करने का अधिकार भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर इस रिलेशनशिप में आपको इनकी बहुत ज्यादा नीड है, आप इनके लिए बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं, तो आपको इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी दिखानी पड़ेगी, इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इस रिलेशनशिप में उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती या ये गलत तरीके से मैं नहीं जा सकती या जा सकता, तो आप इस रिलेशनशिप के बारे में वही बोलते ना क्विट कर दो और आगे बढ़ो। ऑलरेडी आप आगे बढ़ रहे हो और बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, आपकी लाइफ बेटर हो रही है, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। आपके पार्टनर के जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे मिले हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज्यादा मिले हैं, और यहाँ पर एयर साइन लिब्रा के लिए जेमिनी भी बहुत मिली है। नंबर 1, नंबर 6 और नंबर 24 ज्यादा दिखे हैं। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग मई मंथ की। अगर आप लोगों को मई मंथ की रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलते अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।